पहला मैच भी जो खेला था इस टूर्नामेंट में महिंद्रा स्पोर्ट्स में, उसमें बहुत से खिलाड़ी जो मुख्य खिलाड़ी है वो खेले नहीं थे। और आज भी देखना है कि क्या टीम न्यूज़ है उनका, जिस तरह से अभी तो देखने को मिल रहा है कि हरीश पाटिल आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। शायद पूरी ताकत के साथ ये टीम पहुंची नहीं है यहाँ पर। यस, किंग ऑफ पीएनडी क्रिकेट, क्या बिलाल शेख नजर नहीं आ रहे, और गयासुद्दीन शेख और हरीश पाटिल। हरीश पाटिल ग्रामीण क्रिकेट में तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हरीश पाटिल का ये वो यादगार चौका कोई भी नहीं भूला होगा जो उन्होंने बालाजी के फाइनल मैच में लगाया था पिछले वर्ष। बहुत ही रोमांचक फाइनल मुकाबला रहा था महिंद्रा स्पोर्ट्स और बी इंडियन के बीच में। गयासुद्दीन शेख इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी में और बॉलिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं गोकुल। मैन ऑफ द मैच रहे थे पहले मैच में, बल्कि हुसैन है गेंदबाज, गोकुल मैन ऑफ द मैच रहे थे। हुसैन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद मैच की उछाल दिया है कवर्स के ऊपर से, बहुत ही बढ़िया शॉट, पहले बाउंस पर गेंद सीमा पार, 4 रन। फ्लैशी बल्ले को देखिए, पूरी तरह से स्विंग हुआ था, मुंह को खोल दिया था बल्ले के गयासुद्दीन शेख ने, और पहली गेंद पर खोला। गयासुद्दीन को गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान कार्य नहीं रहता है। 360 डिग्री बल्लेबाज हैं ये, जहां मन चाहे वहां शॉट खेल सकते हैं, इतने खतरनाक बल्लेबाज है। बाली ट्रॉफी में 220 रन बनाए थे कुल मिलाकर, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। इस बार फुल टॉस, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, कैप में निकाल दिया है, एक और चौका। ब्यूटीफुली प्लेड बाय गयासुद्दीन शेख, दैट वाज अ जूसी फुल टॉस एंड पुट अवे वेरी इजीली बिटवीन कवर एंड एक्स्ट्रा कवर। हैव अ लुक एट दैट, ब्यूटीफुली प्लेड, नाइस फुट बैलेंस एंड बॉल इज रेसिंग ऑल द वे टू द कवर बाउंड्री फॉर 4। दिस इज द वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम गयासुद्दीन शेख एंड महिंद्रा। मैच की पहली दो गेंदों पर दो चौके जड़ चुके हैं गयासुद्दीन शेख, एक इनफील्ड के ऊपर से और एक बिल्कुल गैप में कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, बहुत ही लाजवाब प्लेसमेंट। ये खतरे के संकेत है विपक्षी टीम के लिए। और बाली ट्रॉफी में 26 सिक्सर उन्होंने लगाए थे, जो एक कीर्तिमान है किसी बैट्समैन की तरफ से लगाए जाने वाले सिक्सर्स का। इस बार स्लैप स्विप और गेंद सीमा पार, चौकों की हैट्रिक। एबी डिविलियर्स, इस शॉट को तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि हूबहू अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। ये देखिए क्या स्वीप खेला था, चौकों की हैट्रिक करते हुए गयासुद्दीन शेख। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं, और कई टीमों के खिलाफ हमने देखा है कि अकेले गयासुद्दीन शेख ही विपक्षी टीम को भारी पड़ जाते हैं। लेकिन अजय गर्ग क्रिकेट वैसे भी एक खिलाड़ी का काम नहीं है। जी बिल्कुल, टीम गेम है, एक खिलाड़ी आपको एक मैच दो मैच जिता कर दे सकता है, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए टीम वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तीन गेंदे हो चुकी है, तीन चौके लग चुके हैं, रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के। आकर्षक शुरुआत गयासुद्दीन शेख द्वारा, हुसैन थोड़े से दबाव में, अनुभव उतना नहीं है हुसैन के पास, लेकिन वापसी करने की क्षमता जरूर है। अब गेंद बदली जा रही है। हसीब हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है, वेलकम। इम्तियाज पापा जुड़ चुके हैं, गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी। शमीम जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। यूसुफ बहुत ही मशहूर गेंदबाज जानवी के हमसे जुड़ चुके हैं। आज के जो मुकाबले, इसके बाद तैयार रहना है दोनों टीमों को। संजय मात्रे फैम टीम, मयूरेश स्पोर्ट्स की कैप्टन, और सरफराज बाबू खान फैम टीम अंजुमन के कैप्टन। गेंद बदली गई है, स्ट्राइक अभी भी गयासुद्दीन के पास है, हरीश को अभी तक कोई गेंद खेलने का मौका नहीं मिला है।
ऑपोजिट टाइनी हाथ से ओवर द विकेट। इस पर गुड लेंथ गेंद थी बॉटम एज, और बढ़िया फील्डिंग स्लिप कॉटन में, कोई रन नहीं। गयासुद्दीन पहले सोच रहे थे कि रन लिया जाए, लेकिन फिर देखा उन्होंने फील्डर तेजी से झपटे शॉर्ट थर्ड मैन के गेंद पर, इरादा बदल दिया। यस, चेयर अप करते हुए वहां पर मिड ऑफ पे इस वक्त शुमांशु सोसे, बहुत ही नामचीन खिलाड़ी। चारिफ नाचन इस वक्त मिड ऑन पे हैं, द मैन हु हिट हाफ सेंचुरी इन दिस सीजन अगेंस्ट मैगी 11। पहली डॉट बॉल, थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी गेंदबाज ने, क्योंकि पहले तीन गेंदों पर तीन चौके जड़े यासुद्दीन ने। बॉलर की दिशा में खेला है, एक और डॉट बॉल, अच्छी वापसी। और यही मैं कह रहा था कि वापसी करने की क्षमता जरूर है उस सेन में, भले उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है जितना गयासुद्दीन के पास है। गयासुद्दीन जो बहुत ही सोच समझ कर बल्लेबाजी करते हैं, ऑन साइड में चार खिलाड़ी उनके लिए और पांच ऑफ साइड में। इस बार पहले ही मन बना लिया था, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर निकाल दिया ऑन साइड में, खाली क्षेत्र में चार रन। बढ़िया सोच वहां पर गयासुद्दीन की, पहले ही उन्होंने देख लिया था कि फील्डर कहां पर है और उनको अच्छी तरह से पता था कि वो क्या कर रहे थे। चौथा चौका पहले ओवर में लगता हुआ, ओवर समाप्त हुआ, एक ओवर के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान के महेंद्रा। बिल्कुल बहुत बढ़िया शुरुआत, ये देखिए किस तरह से खेला था। आपको तो पता होगा कि इस सीजन की जो 25वीं अर्धशतक था वो गयासुद्दीन ने लगाया था बाली ट्रॉफी में। अगर हम ऑलराउंडर की बात करें तो गयासुद्दीन शेख, उसके बाद सूरज केने इस वक्त दो नंबर पे आ चुके हैं और तीन पर अब सूरज जोशी जा चुके हैं। गेंदबाजी का जो क्रम है अब वहां पर पायनियर के उसामा एक नंबर पे आ चुके हैं, दो नंबर पे विलेन स्पोर्ट के राजन और तीन पे बी इंडियन के उसे। बाली ट्रॉफी में दो अर्धशतक जमाए थे गयासुद्दीन शेख ने, तीन बिलाल शेख, तीन नंदन पाटिल। दूसरा अर्धशतक तो सेमीफाइनल मैच में आया था बालाजी के विरुद्ध, 23 गेंदों में 93 रनों की धुआंधार पारी खेली थी गयासुद्दीन ने, और वो सिटी क्रिकेट में लगने वाला सिल्वर जुबली अर्धशतक था। चलिए आपका सिल्वर जुबली ईयर है, कमेंट्री का बहुत कुछ सिल्वर जुबली हो रहा है। अटैक पर अब रईस आते हुए, मैं सोच रहा था कि शायद गोकुल से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे कैप्टन, लेकिन कुछ अलग सोच यहाँ पर विक्टोरियन के कैप्टन की। यस, शिक्स शावान हमसे जुड़ते हुए फोकस मैन, आपका हार्दिक स्वागत है। पहली गेंद थोड़ा सा लीडिंग एज खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद ऑफ साइड में चली गई। रन जरूर पूरा किया हरेश पाटिल ने और अपना खाता भी खोला। यस अजय, मैं समझता हूँ अच्छी सोच है, उन्होंने स्ट्राइक गयासुद्दीन शेख को दिया है। पप्पया खारिक की भी सराहना करनी होगी, इस सीजन में उन्होंने बहुत ही लाजवाब कप्तानी की। जहाँ जब टीम जीतती है तो कप्तान को उसका श्रेय जाता है, और जब टीम हारना शुरू हो जाती है तो कप्तान को ही ब्लेम भी किया जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मैचेस हारे हैं उसमें कप्तान की गलती कम नजर आ रही है गेंदबाजों की, और बल्लेबाजों की गलती महिंद्रा के ज्यादा नजर आई। मिड ऑफ के ऊपर से उछाल दिया है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन, मैच का पहला सिक्सर। ये गयासुद्दीन है, थोड़ा भी लेंथ और लाइन से गेंदबाज चूक जाते हैं तो काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। यस, इज अ गुड टच बैट्समैन सो फार, लुक एट दैट ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन, मिडल ऑफ द बैट, फुल फेस ऑफ द बैट, लॉफ्ट एज बॉल, ओवर लॉन्ग ऑफ फॉर 6। गयासुद्दीन डाउन द ग्राउंड खेले, विकेटों के पीछे खेले, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, उनका सिर बहुत ही स्थिर रहता है और यही वजह है कि उनके स्ट्रोक्स बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। फुल टॉस और ये तो निश्चित रूप से बाहर है, 6 रन और धुआंधार आकर्षक बल्लेबाजी, विध्वंसक बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए इस समय गयासुद्दीन शेख। ये तो बहुत आसान गेंद थी उनके लिए। यस, घी का लड्डू, बहुत खूबसूरत शॉट, पूरी ताकत को झोंक दिया था
कई बार हम देखते हैं अजय गरत के फुल टॉस गेंदों पर बैट्समैन अगर कुछ अधिक ताकत लगाते तो कहीं ना कहीं मिस टाइम कर पाते। सोचने पर मजबूर कर दिया है गयासुद्दीन ने इस समय रियल विक्टोरियन के कैप्टन को। रन संख्या 29 बिना किसी नुकसान के छक्कों की हैट्रिक का मौका। यस, अंजुमन के कप्तान इस वक्त बहुत क्लोज वॉच कर रहे हैं गयासुद्दीन को। ओहो, बेहतरीन स्ट्रोक, वन बाउंस चौका। ज्यादा ही कुछ आज गुस्से में नजर आ रहे हैं गयासुद्दीन शेख। गजब के खिलाड़ी है ये, तो अनमोल खिलाड़ी है भिवंडी क्रिकेट तालुका के। भावेश पवार, गयासुद्दीन शेख का कई नाम है। फुल फेस ऑफ द बैट, व्हाइटिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर बैकफुट पर खेले थे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए फिर से हवा में, और इस बार फील्डर को क्लियर करते हुए एक और चौका। छक्कों और चौकों की बारिश होती हुई इस समय ऐतिहासिक परशुराम ठाकुर स्टेडियम में। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं गयासुद्दीन शेख। ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला, बैकलीफ को नीचा रखा था, इन फील्ड के ऊपर से कोई मौका नहीं, चार रन। हालांकि थोड़ा निचले हिस्से पर लगी थी ये गेंद बल्ले के, फिर भी जबरदस्त कांटेक्ट। 10 गेंदों में 36 पर पहुंच चुके हैं गयासुद्दीन, कोई रन दौड़कर नहीं लिया है। इस बार डाउन द ग्राउंड, गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और चौका। ऐसा आलम है कि गेंद बल्ले पर लग रही है और सीमा पार नजर आ रही है। नहीं, लूट लिया है, विक्टोरियन स्पोर्ट्स को लूट लिया है गयासुद्दीन ने मैंडेटरी पावर प्ले में। 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 11 गेंदों का सामना किया है। 25 रन खर्च किए रईस ने अपने ओवर में। दो ओवर की समाप्ति, 41 बिना किसी नुकसान के महिंद्रा। वीआईपी डाइस का नजारा ये देखिए किस तरह से पिछले ओवर में रन बने। एक गयासुद्दीन की पारी दिखाई जा रही है जो थ्रू दी कवर से उन्होंने खेला था, बहुत ही लाजवाब शॉट, ये लेफ्ट स्वीप। ऐसा कौन सा स्ट्रोक है जो गयासुद्दीन खेल नहीं सकते, हर तरह के शॉट्स उनके पास। या सीजन में वैसे भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी गयासुद्दीन शेख है। ये देखिए पूरी बारी दिखाई जा रही है, बहुत ही गजब का टेलीकास्ट पहली गेंद से प्रिंस मूवीज का। इस गेंद को तो उन्होंने बहुत तेज पंच किया था इनफील्ड के ऊपर से, ये उनका गजब का शॉट। बैकलीफ को नीचा रखा था एबी के अंदाज में, एक्स्ट्रा कवर में चार रन। और ये देखिए इसको तो जाना ही था बाहर। पावर प्ले का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गयासुद्दीन ने, 11 गेंदों में 40 रन बना चुके हैं 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और लगता है कि एक और आज शतक देखने को मिलेगा। हरीश पाटिल ने सिर्फ एक गेंद खेली है, एक पर इस समय स्ट्राइक पर। नया ओवर लेकर गोकुल अब आए हैं अटैक पर। बहुत बढ़िया गेंद, ये प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक है। पहले ही मन बना लिया था कि सिंगल निकालना है, गयासुद्दीन को स्ट्राइक पर लाना है, लेकिन पहले ही जब आप सोच लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना। यस, और उसका कारण भी यह रहा था कि पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट भी हो चुके थे। थोड़े से दुविधा में भी नजर आए, इस बार खेलने की कोशिश नहीं की। दिशाहीन गेंद, वाइड, पहला अतिरिक्त रन इस पारी में आता हुआ। महिंद्रा स्पोर्ट्स का स्कोर है 42 रन बिना किसी नुकसान के। नॉन पावर प्ले ओवर्स इस समय चलते हुए। गजब का शॉट, मिड विकेट के ऊपर से तान दिया है, 6 रन।
हरेश पाटिल भी अपने हाथ खोलते हुए कैफी आजमी ट्रॉफी 2017 में ऑर्गेनाइज बाय राज्य एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी गोकुल की अगली गेंद इस बार काफी दूर से खेले हैं विकेट मिल सकता है एक्स्ट्रा कवर के फील्डर कैप्टन आए लेकिन कैच नहीं कर पाए शोएब जीवन दान मिलता हुआ हरेश पाटिल को मयूरेश स्पोर्ट्स के कैप्टन द लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे फैम टीम और सरफराज बाबू खान फैम टीम अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके मयूरेश स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है लिविंग एज लगातार जो आत्मविश्वास था वो बता रहा था कि इस कैच को वो नहीं ले पाएंगे बहुत अच्छे से जज करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कैच लेने के लिए बॉडी लैंग्वेज से जरूर पता चलता है कैच लेंगे या नहीं अब 40 पर गयासुद्दीन स्ट्राइक पर है रिवर्स शॉट सीधे फील्डर के पास तेज रन पूरा करते हुए अच्छा कॉल वहां पर हरेश पटेल पहले ही बैकअप कर चुके थे सिंगल के लिए अच्छा तालमेल और इसके साथ ही 50 रन पूरे हुए महिंद्रा स्पोर्ट्स के ये 50 रन आए हैं मात्र तीसरे ओवर में 2.3 ओवर से यानी कि सिर्फ 15 गेंदों में 50 रन बल्कि 4 गेंदे हो चुकी है इस ओवर की 16 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए पूरी हो चुकी है हरेश पाटिल और गयासुद्दीन के बीच में हल्की सी शॉट थी उसको घुमा दिया है डीप मिड विकेट पर फील्डर देखते ही रह गए 6 रन गयासुद्दीन शेख ने आकर उनको शाबाशी दिए कि आप अपना नेचुरल क्रिकेट खेले सोलह रन आ चुके हैं इस ओवर से भी गोकुल भी खर्चीले साबित होते हुए फिर से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब फंबल दो रन पूरे करते हुए हरेश पाटिल कुछ भी सही नहीं हो रहा है यहाँ पर विक्टोरियंस के लिए यहाँ तक का टॉस भी वो नहीं जीत पाए थे दो रनों से ओवर की समाप्ति 58 बिना किसी नुकसान के महिंद्रा स्पोर्ट्स थैंक यू अजय गरत एंड ऑफ द थर्ड ओवर इज 58 फॉर नो विकेट गयासुद्दीन शेख शोइंग हिज क्लास नाउ ही इज ऑन 41 What an inning played by Gyasuddin Sheikh today. He is on 41. You are watching Cricket Forever. Kaifi Azmi Trophy 2017 from historical Parshuram Tauri Stadium. With me, the great commentator Ajay Karat and one of the great voice with the great slogan, the Shahid Kapoor of Bhiwandi, Nabil Dukar. So end of the third over, I think 58 for no wicket is going to be change in bowling now. Raza.
brought into the attack, and Gyasuddin looking at this third half century in this season, he marching towards to the half century. Two batsmen made three half century in this season. The king of beauty cricket, Bilal Sheikh and Nandan Patil. Is going to be Raza, who turned from VIP end. Facing him, Gyasuddin Sheikh. 58 for no wicket. Gyasuddin Sheikh, 41. Just 9 runs away from what will be a wonderful 50 for him. Earlier this morning, one batsman missed out the 50. And this is the fifth 50 so far. This time, put away! What a six into the stand! Gyasuddin Sheikh doesn't require second invitation to hit the ball. Beautiful shot. Very poor delivery from Raza. Juicy, friendly full toss. Look at that. Beautifully played. Beautifully played indeed by Gyasuddin Sheikh. Here we go. Left arm over the wicket. This time helicopter and just the Gyasuddin Sheikh's 50. Third 50. Outside the off stump, great helicopter shot, and he brings up his 50, the third 50 in this season for Gyasuddin Sheikh, and he becomes the fifth batsman to score 50 in this KPI Azmi Trophy 2017. And he has become the third batsman in this season who made three half centuries. What an inning! Congratulations from Irfan Mullah and Shadab Kotkar for Gyasuddin Sheikh. This time put away on the onside. One more to total now. His score was up to 71. His score was up to 71. Next match, Mayuresh Sports versus Anjuman Sports. Here we go. Bostro Aresh put away on the onside. One bounce cross the midwicket boundary for four. Freeze his arms now, put away to midwicket for four. Bostro Aresh this time tucked away on the onside, equally stop in deep, and enough time. Harish gets one. Harish also looking is showing his class. He is also moves up to 21, and Gyasuddin Sheikh moves up to 54. Next match, Mayuresh Sports meets Anjuman Sports. Here we go. Left arm over the wicket. This time, drive. There's a very awkward stop from the fielder in deep. Enough time, Gyasuddin Sheikh gets another single.
जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा. That marks the end of the fourth over. Score is 77. अजय क्या कहेंगे? 77 रन बन चुके हैं चार ओवर की समाप्ति के बाद. यहाँ से बहुत मुश्किल होगा मैच में वापसी करना विक्टोरियंस के लिए. गयासुद्दीन की पारी दिखाई जा रही है. पहली गेंद से ही पता चल गया था कि वो आज कुछ खास करने वाले हैं. जिस तरह से शॉट्स उन्होंने खेले हैं, एक से बढ़कर एक शॉट्स. ये देखिए उनका अर्धशतक दिखाया जा रहा है. शादाब कोतकर ने उनको मुबारकबाद दी है, इरफान मुल्ला ने मुबारकबाद दी है. क्या गजब की बारी खेली उन्होंने. ये देखिए एक से बढ़कर एक शॉट, तीसरा अर्धशतक. अगर हम महिंद्रा की बात करें, महिंद्रा और धनेश एक नंबर पे रैंक कर रही है. धनेश की तरफ से सिर्फ शेखर दलवी अर्धशतक जमा चुके हैं, जबकि महिंद्रा की तरफ से 6 अर्धशतक लग चुके हैं. गयासुद्दीन शेख जो कमजोर गेंदों को तो बख्शते नहीं है, लेकिन अच्छी गेंदों पर भी बहुत बेहतरीन शॉट्स खेल लेते हैं. जो 31 अर्धशतक लगे हैं उनकी रूपरेखा मैं आपको देता चलूं. बिंदास एनआर के, नंदन पाटिल, वीरेन के, बाला मयूरेश के, बिलाल शेख, महिंद्रा के शेखर दलवी, धनेश के संदीप मडवी, एनआर के बिलाल शेख, महिंद्रा के बिलाल शेख, महिंद्रा के सूरज केनी, युतिका के नंदन पाटिल, वीरेन के शाहिद खान, जानवी के. इस बीच अगेन सम्मान दिया, छोटी बैकलिफ से विकटों में आ रही थी बचाया. आकाश वलसे, मैगी के शारिफ नाचन, विक्टोरियन के मोती, जॉली के नंदन पाटिल, वीरेन के अतुल, जीएम के पिंटू पाटिल, वियान मित कुमार के वैभव पाटिल, वकी स्पोर्ट मापोली के अहमश बलेरे, जानवी के जो न सिर्फ अर्धशतक बल्कि एक शतक भी लगा चुके हैं, कामरान पटेल, नवाब के मतीन, बी इंडियन के गयासुद्दीन शेख, महिंद्रा के आकाश, भोलेनाथ के दीपक मडवी, एनआर के इस बीच अगेन लंबा हिट और गेंद जाएंगी नहीं, बढ़िया कैच, गयासुद्दीन शेख आउट. से उसके आए शिलके भिवंडी टाइगर्स के कैफी आजमी में अमोल पाटिल, जॉली के एमपी कप में मयूर, सारा इंडियंस के जरार मुल्ला जो कैफी आजमी के हाईएस्ट रन मेकर्स है, लगभग हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है 72 रन, राजू एफसीसी के 55 और गयासुद्दीन शेख, ये कुल 31 अर्धशतक लगे हैं इस सीजन में. बहुत ही बढ़िया पारी समाप्त हुई गयासुद्दीन की, और बढ़िया कैच भी देखने को मिला शारिफ नाचन द्वारा. थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते तो छक्का हो जाता. नहीं, अच्छा कैच पकड़ा था उन्होंने, डीप वाइडिश, लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑन पे.
राइट आर्म राउंड विकेट, इस मर्तबा लिफ्ट कर दिया है कि इनको लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। हरेश पाटिल तो टूट पड़े हैं यहाँ पर गेंदबाजी पर। बहुत अच्छी पारी खेल रहे हरेश भी, यासुद्दीन को देखकर उन्होंने भी शुरुआत की और अब वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तीसरा छक्का जड़ चुके अपनी पारी में हरेश 27 पर खेलते हुए। 83 रन हो चुके हैं और 27 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं हरेश पाटिल, लेकिन गयासुद्दीन शेख ने आज जो बल्लेबाजी की वो वाकई में बहुत खूबसूरत। व्हाट अ प्लेयर इज, इस मरतबा वाइट स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 84 रन। 84 हालांकि इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टीम टोटल नवाब के नाम है 96। बहुत अच्छी गेंद नीची रही थी लेकिन रन चुरा लिया, जबकि नए बैट्समैन पपिया खारिक टीम के कप्तान आए हैं। बल्लेबाजी को स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 85 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी देख रहे हैं, लेकिन महिंद्रा का शो भी देखना ना भूलिए 25 मार्च से 2 अप्रैल। और आदित्य ठाकरे कप में सिटी की 24 टीमों को दाखिला दिया जाएगा। 16 से 26 तारीख तक वो शो आप देख रहे हैं दापोडे में, दीना पाटिल की देन। जल्दी कीजिएगा, सिर्फ 24 फॉर्म आपको मिल जाएंगे पायनियर स्पोर्ट्स से। इस बीच अगेन गिर के खेला है वहां पर स्लीपिंग स्वीप स्ट्रोक पपिया कारिक का डीप स्क्वायर लेग पर, लेकिन पहुंच गए अपने क्रीज में। क्या गजब की बल्लेबाजी की आज गयासुद्दीन शेख ने। बिलाल शेख के साथ खड़े रह गए किंग ऑफ B1D क्रिकेट, जिन्होंने 3 अर्धशतक लगाए। नंदन पाटिल ने 3 अर्धशतक लगाए। ओ यहाँ पर विकेट गवा दिया है गेंदबाज ने, बेल्स को गिरा नहीं सके। किंग ऑफ पीछे थे, किंग ऑफ P1D क्रिकेट बिलाल शेख ने हरेश पाटिल को इस वक्त कॉम्प्लीमेंट दिए, ऑल द बेस्ट का है। इस मरतबा दूर किया था वाइट। हरेश आज बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं और पहली गेंद जब उन्होंने खेली थी, लेकिन बाद में गयासुद्दीन ने उनसे कहा कि आप अपना नेचुरल क्रिकेट खेलिए। इस मरतबा दूसरे मोहल्ले में वाइट, हाईएस्ट टोटल नवाब स्पोर्ट्स के नाम है 96। एनआर बोरपारा के नाम है, इस वक्त स्कोर है 88 रन। आखिरी गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट, हरेश को बढ़िया गेंद और इसके साथ ही कुल मिलाकर 88 रन बने हैं महिंद्रा के। 89 की चुनौती रखी है। संजय मात्रे फैम टीम मयूरेश के कैप्टन हमसे जुड़ते हुए, यस जगदीश नाइक और अंजुमन के कैप्टन शहबाज शेख, वेलकम बोथ कैप्टन। ऑल द बेस्ट शहबाज शेख एंड ऑल द बेस्ट वंडर ऑफ P1D जगदीश नाइक। ये दोस्तों मैं मोहतरम नसीम भाई से गुजारिश करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। नसीम भाई
इस वक्त हमसे जुड़ते हुए टॉस के लिए। हिट कहना है जगदीश नाइक का और इस वक्त हेडी आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वीआईपी पे बैठना है। जगदीश नाइक, वंडरफुल वंडर ऑफ भिवंडी, ये बताइए कि कैफी आजमी ट्रॉफी में आए, इसका टाइटल मैंने दिया है क्रिकेट फॉर एवर, क्रिकेट हमेशा के लिए, क्या ऐसा करने जा रहे हैं जो दर्शक हमेशा याद रखे? ठीक है, जो अपना इंतम पापा पहली बार दूसरी बार टूर्नामेंट करा रहे, अभी देखा पहले दिन थोड़ा उनको टाइम नहीं मिला था ये बनाने के लिए, अभी देखा अंदर आया तो अच्छा बनाया उसने। आपने टॉस जीता है, क्या करेंगे? इसके पीछे रीजन है कि 5 ओवर का मुकाबला और 10 बैट्समैन रहते हैं तो चेस करना आसान रहता है, इसी को देखकर ये फैसला किया है। हाँ, वो टीम भी अंजुमन भी अच्छी, बॉलिंग साइड भी उनके अच्छे है, तो मुकाबला अच्छा होके रहेगा गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। हाँ, अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट शहबाज। अंजुमन ट्रॉफी, बाली ट्रॉफी, एमजे ट्रॉफी, डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी और यहाँ एनसीपी ट्रॉफी, यहाँ पर लाइन से बहुत टूर्नामेंट हुए। इस वक्त आप आए कैफी आजमी में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि अहम मुकाबला है और मयूरेश भी अच्छी टीम है, आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, क्या टॉस जीतते तो क्या करते? मयूर से हमारा लास्ट टाइम मुकाबला जो हुआ था, हम लोग 2 रन से हार गए थे, बहुत टफ हुआ था, 30 रन पे हमको हम लोग खेला, अभी हम लोग कॉन्फिडेंस से उतर रहे हैं, अच्छा खेलेंगे। ये बताइए कि टीम पूरी ताकत के साथ आई है? हाँ, पूरी ताकत से। ये बताइए इस अहम मुकाबले में अकिल और अन्य से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि किस तरह का खेल पेश करे? अकिल बहुत फॉर्म में है और हाशिम भी बहुत फॉर्म में है, अभी देखते हैं 75+ करने की कोशिश करें। यहाँ के दर्शक, यहाँ के ऑडियंस चाहती है कि अंजुमन आगे के फॉर्मेट में नजर आए, टॉप 8 में, क्या यहाँ आगे जाने की कोशिश है? इंशाल्लाह ये मैच की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस इज मयूरेश वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आइए दोस्तों, खेल की शुरुआत जितनी खूबसूरत बल्लेबाजी की थी गयासुद्दीन शेख ने, उतनी खूबसूरत आवाज के मालिक है मेरे साथी कमेंटेटर नबील दिवकर, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो सिर्फ ना डैशिंग बल्कि हैंडसम दिखते हैं, बल्कि उससे ज्यादा उनकी आवाज खूबसूरत है। आइए माइक्रोफोन पे कि वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चराग जलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। 89 रनों की चुनौती रखी है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने इस वक्त, यस, विक्टोरियन के लिए। मैंने अल्ताफ अली के लिए शेर कहा, मैंने सभी के लिए शेर कहा है, लेकिन नबील दिवकर जब तक सीजन में मेरे साथ रहेंगे तो एक शेर तो उनके लिए हमेशा कहूंगा मैं, कि वह आईने को भी हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। भेजना है प्लीज, यस, दोनों ओपनर्स जाते हुए देखना है कि शुमाइल सूसे किस नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं और शारिफ नाचन को कब भेजा जाता है।
ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर लगाया गया है पंकज को। स्ट्राइक पर है रमजान, नॉन स्ट्राइक पर है मयूर। पंकज पहली गेंद लेकर रमजान के लिए, पहली गेंद बढ़िया स्ट्रोक गैप के अंदर, गेंद तेज और फील्ड पर सरकती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, बढ़िया शुरुआत विक्टोरियन के लिए रमजान की ओर से। दूसरे के लिए जा रहे है और दो रन पूरे। इस बार अच्छी गेंद क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बीटवे रमजान डॉट गेन, 6 रनों पर पहुंचा है स्कोर, 89 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है इस वक्त भिवंडी विक्टोरियन। बिल्कुल बहुत ही मुश्किल लक्ष्य इस वक्त सामने है विक्टोरियन स्पोर्ट्स के। पंकज की अगली गेंद दूसरे मोहल्ले में वाइट, स्कोर में एक रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 7 पर पहुंचा। इस बार अधूरे मन से खेला हुआ स्ट्रोक और आसान सा कैच मिड ऑन पर, पहला झटका लगता हुआ इस वक्त रमजान की रूप में विक्टोरियन को। भावेश पारदी और रुपेश पारदी ने इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। ऑल इज वेल चलता हुआ पहला ओवर चल रहा है और पहले बैट्समैन आउट होके जा रहे हैं। देखना है कि अगले बैट्समैन, ये देखिए एलिवेशन नहीं बना था, पुल खेलना चाहते थे, ऊपरी सिरा, हरीश पाटिल ने कोई गलती नहीं की। नए बैट्समैन गोय ऑफ पीवंडी शारिफ नाचन बल्लेबाजी को जा रहे, जिन्होंने मैगी के सामने बहुत खूबसूरत अर्धशतक लगाया था, अच्छे फॉर्म में भी चल रहे, मापोली में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। शारिफ नाचन आए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे पंकज का। इस बार अच्छी गेंद नीचे बैकलिफ से ड्राइव किया, गेंद को कवर्स में अपने स्ट्रोक को चेक किया, स्ट्राइक को रोटेट किया, एक रन पूरा किया शारिफ नाचन ने, इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है। पहली ओवर का खेल अभी भी चल रहा है। इस बार अच्छी गेंद धीमे बल्ले से खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर, बढ़िया फील्डिंग, 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। ओवर की समाप्ति, स्कोर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विक्टोरियन। ये आप मेहमानों को देख सकते हैं इस वक्त कैफी आजमी वीआईपी डाइस पे।
अब दूसरे ओवर के लिए अजीत को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। अजीत इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद बाहर की जाने कटी थी, मोटा सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथों में आउट। दूसरा झटका इस वक्त मयूर के रूप में भिवंडी विक्टोरियन को। ये देखिए बहुत दूर से खेले थे, मोटा सिरा लगा था बाहरी और आउट हो गए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं हुसैन, जबकि शारिफ नाचन का आना बाकी है। शारिफ नाचन शुमाइल सूसे का आना बाकी है। की मैन इस बीच गेंद तेज तरार गेंद क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, अपील और अंपायर का इशारा आउट। दूसरा झटका इस ओवर में और विकेट नंबर 3 गिरता हुआ इस वक्त। देखने है कि अजीत हैट्रिक पर है, क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं अजीत। ये देखिए बढ़िया कैच, आज तो हर जगह गैसुद्दीन शेख और हरेश पाटिल नजर आ रहे हैं विक्टोरियन को। YouTube पे हमारी आवाज थोड़ी कम जा रही है। अजीत मुड़ते हुए सामना करेंगे जावेद, हैट्रिक गेंद पर है। ओ केवल पुश किया है और रन पूरा किया एक, इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ज्यादा पिछड़ती भी बारी यहां पे विक्टोरियन की, 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी कर रहे अजीत। अजीत इस बार बढ़िया स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। शारिफ नाचन के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। यस, अच्छे फॉर्म में चल रहे इस सीजन में शारिफ नाचन, ऑन दी अप खेला था लेकिन आंखों के नीचे डाउन दी ग्राउंड, गजब का शॉट शारिफ के बल्ले से तीर की मानी निकलता हुआ 4 रन। अजीत मुड़ते हुए शारिफ नाचन के लिए, इस बार विक्टो में गेंद को किया था नीची बैकलिफ से ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर 15 पर पहुंचा। यस, आई थिंक शारिफ नाचन इन दिस सीजन लुकिंग इन गुड टच, ही प्लेड सो फार वेरी गुड नॉक लाइक अ हाफ सेंचुरी अगेंस्ट मैगी 11। इस बार आरे बल्ले से खेला है बढ़िया कैच और एक झटका लगता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स को, चौथा झटका। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में अजीत की। ये देखिए स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर, वाइड ऑफ मिड ऑन, अच्छा कैच।
थैंक यू नबील दिवकर. एंड ऑफ द मैंडेटरी पावर प्ले विक्टोरियन टोटली कोलैप्स हियर 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. पुअर परफॉर्मेंस. So back to cricket now. New batsman joined Shoaib Memon, the captain of Victorian, but Sharif Nachan on 6, help of one glorious boundary. Today is the 7th March, the birthday of Nari Conductor, Indian batsman born in 1934. Yasuddin Sheikh Bao, this time leg cutter. Sharif surprised there. Today, Sunil Gavaskar created a milestone, 10,000 run. This time, not a confident looking stroke. Sharif tried to drive in front of wicket, thick outside edge and rose to short third man. 1-2 score now. Score was up to 16 for the loss of 4 wickets. Yasuddin Sheikh, very valuable player of Bundi. This time, nice looking stroke to deep cover. Fielder finds the ball. Enough time, Shoaib Memon has easy 2 runs. He off the mark with couple and Victorian 18 for the loss of 4 wickets. Shoaib Memon changed the bat. Batsman to follow Shumail Suse. 16 for the loss of 4 wicket. Third over in progress. This time beauty, beauty. And Shoaib Memon in trouble. Is out. This is a special delivery from Yasuddin Sheikh. Have a look at that. Oh, lovely. Try to cut close from his body. Top edge. And Memon on his way. Now, new batsman in Shumail Suse, the key player. But Victorian in all kind of trouble. 16 for the loss of 5 wickets. Yasuddin Sheikh turned from Haji Somerset stand and this time hooks beautifully. One bounce cross the boundary for 4. What a start from Shumail Suse. Lovely looking hook stroke. That was a bouncer. Goes his back foot and hooks that ball beautifully through the fine leg fence for 4. Look at that. Beautiful shot. He removed the eye from the ball. Another bouncer and umpire signaling 1 for the over. That marks the end of the third over. His score is 22 for the loss of 5 wickets. 3 over ki samapti 20 run 5 wicketo ke nuksan par. Ye aap dekh sakte hain Kaifi Azmi Trophy ka bada banner. शबाना आजमी की तस्वीर लगी हुई है. ये यादगार तस्वीर कैफी आजमी और शबाना आजमी की. शेख शाबान अबू हुज़ैफ़ा आजमी बीस रन 5 विकेटों के नुकसान पर.
अगला मुकाबला जहां पर मयूरेश स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है अंजुमन स्पोर्ट्स के सामने, उसके बाद जमीर पटेल फैम टीम मतीन स्पोर्ट मापोली और पॉइनियर अहमद फक्की फैम टीम। गेंदबाजी कर रहे हरीश पाटिल सिल्वर अम्प्स। इस मरतबा विधि टाइट खेला है गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर, बढ़िया फील्डिंग वहां पर लेकिन नहीं रोक पाए दो रन लेने से। शारिफ नाचन को, शारिफ नाचन नौ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, चार पे खेल रहे हैं शुमाल सू से। हरीश पाटिल सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी, शॉर्ट लिफ्टिंग नहीं समझ पाए वहां पर बैट्समैन, अच्छी गेंद थी गुड लेन पे पड़ने के बाद एकाएक उछाल प्राप्त करती हुई विकेट कीपर के पास। स्कोर है 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। हरीश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा हुक कर दिया है आकाश गेंद के नीचे लेकिन मिस जज किया और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस चौकी की मदद से शारिफ पहुंचे 13 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 28 रन। तेज हवाएं बह रही है, बहुत खूबसूरत मौसम हम देख रहे हैं परशुराम टावरे स्टेडियम पर। हरीश शारिफ को पुल और पावरफुल 6 रन, क्या गजब का शॉट खेला है शारिफ नाचन ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है इस वक्त भिवंडी विक्टोरियन के लिए शारिफ नाचन। ये देखिए खराब गेंद नहीं थी, हल्की सी शॉट थी, पिछले पांव पे चले गए, गेंद को आने दिया, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया, पुल और पावरफुल 6 रन। चौतीस हो चुके हैं और 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शारिफ नाचन। हरीश पाटिल महंगे साबित होते हुए स्वर में शारिफ के लिए, आगे रखा था धीमी गेंद थी कटर, बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन पे जाती हुई, 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 35 पे पहुंचा विक्टोरियन स्पोर्ट्स का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, अच्छा ड्राइव शुमाइल के बल्ले से, 1 रन मिसफील्ड और 2 रन पूरे किए शुमाइल ने। शुमाइल पहुंचे 6 पर, कुल स्कोर 37 रन। मुकाबला तो कप का जीत चुकी है महिंद्रा, औपचारिकताएं बाकी है। 20 पे बल्लेबाजी कर रहे शारिफ और 6 पे बल्लेबाजी कर रहे शुमाइल सूसे। आज के जो मैचेस है, अगला मुकाबला मयूरेश बनाम अंजुमन, उसके बाद मतीन स्पोर्ट बनाम पायनियर। पायनियर ने खासदार कप को भी बहुत डैशिंग अंदाज से जीता। उसके बाद धनेश कुक से बनाम एफसीसी, नवाब स्पोर्ट बनाम विनर और आखिर में बालाजी बनाम सारा इंडियंस। गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में आकाश को लगाया गया है, आकाश पाटिल बहुत अच्छे फील्डर हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं। सामना करेंगे शारिफ नाचन। पहली गेंद इस मरतबा आने दिया था, धीरे से टैप किया,
एक रन बना और अच्छा कॉल वहां पर, लेकिन अपनी क्रीज में नहीं पहुंच पाए शारिफ। 21 रन बनाने के बाद रन आउट हुए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। गोवर्धन 38 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। शुमाइल सूसे 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 21 रनों की एक अच्छी बारी खेलने के बाद आउट हुए शारिफ नाचन। अच्छी गेंद, आगे खींचा था बैट्समैन को बीडवे। आज बिलाल शेख, सुजीत नाइक टीम में नजर नहीं आ रहे हैं। राज बावलिया तबीयत अच्छी नहीं है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। स्मर्त बाल लिफ्ट कर दिया है वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन और मौका भी दिया और देखना है 6 या 4 मौका भी दिया और चौका भी दिया मेरे ख्याल से। यस 4 रन। आज सुरेश पारदी भी नहीं है। स्मर्तबा रन लेना चाहते थे, ओवर थ्रो, एक रन पूरा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 43 रनों पे, 43। बहुत ही लंबे मार्जिन से महेंद्र अपना मुकाबला जीतने जा रही है। गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश। ओ रिवर्स स्वीप करने की कोशिश बीटवे शुमाइल। आकाश अजी समस्या डिस्टेंट की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन आमदार रुपेश मात्रे, लॉयन ऑफ पिवंडी संजय मात्रे एंड कैप्टन पपिया खारिक एंड महिंद्रा। हार्ड लक शोएब मेमन, हार्ड लक विक्टोरियन। इस वक्त बिलाल शेख किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट ने इस वक्त मुबारकबाद दिए अपनी टीम को इस मैच को जीतने के लिए, स्पेशली हरेश पाटिल, गैसुद्दीन शेख और पपिया खारिक और पूरी टीम को। आइए दोस्तों, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वही नाम जो बार बार गूंजा है तालुका क्रिकेट में और वो है भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स गैसुद्दीन शेख, जिन्होंने 55 रन बनाए, एक विकेट लिया। आइए गैसुद्दीन, 3 अर्धशतक इस सीजन में लगा चुके हैं गैसुद्दीन शेख, 3 किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख और 3 का काले रत्न नंदन पाटिल। आइए नौशाद के हाथों से हम आपको दे रहे हैं। अबू हुज़ैफ़ा आज़मी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। तकवीम आज़मी स्पोर्ट्स के कैप्टन, मैन ऑफ द मैच का ये बहुत ही खूबसूरत बैग देते हुए और साथ ही साथ फकी बुटीक का और
अयुब भाई मिठाई वाला एंड सन्स जिल्लू भाई की मिठाई देते हुए। फर्स्ट मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन गैसुद्दीन शेख, यू प्लेड अमेजिंग इनिंग, सम स्वीट स्ट्रोक इंक्लूडिंग इन टेरिफिक बैटिंग फ्रॉम गैसुद्दीन शेख। बहुत बहुत मुबारक हो गैसुद्दीन, वाकई में तीसरा अर्धशतक आपने लगाया इस सीजन का, आपके भाई के साथ खड़े रहे। मैं कंपटीशन नहीं करता हूं, लेकिन आज जो बल्लेबाजी थी वो अलग गैसुद्दीन नजर आए, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की, बहुत खूबसूरत शुरुआत की। आज का जो टीम का परफॉर्मेंस है, हालांकि चार बड़े चेहरे नहीं थे, उसके बाद हरीश पाटिल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं, ऐसा अब हमारे फील्डर पूरे आ नहीं रहे, तो उससे टीम में थोड़ा कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है, और अगले मैच में इंशाल्लाह सब आएंगे तो टीम पूरी एक साथ उतरेगी। एक बात बताइए कि आज जो भी परफॉर्मेंस जो हाजिर टीम थी उसने दिया है, उससे आप खुश है? नहीं खुश तो है कि बड़ा नाम है टीम में, और जिसको मौका मिलता है वो अपना 100% देता है। आज हरीश पाटिल को मौका मिला ओपनिंग करने का, तो वो टीम के लिए काफी अच्छी इनिंग खेले और आगे भी खेलते रहे। गैसुद्दीन शेख आपका भी कब दस्तक दे रहा है, आदित्य ठाकरे कब दीना पाटिल का दे रहा है, जो कहीं ना कहीं पिछले मैचेस में हमने थोड़ी बहुत कमी देखी है, उसको टीम पूरा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल, कंटिन्यू मैच हो रहा है तो उसके वजह से आराम नहीं मिल रहा है फील्डर लोगों को, एक रोज हर रोज मैच रहता है उसके वजह से थोड़ा फील्डर में फिट नहीं है, लेकिन अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं ये टूर्नामेंट, कैफे आजमी और अहमदाबाद चषक की तैयारी चालू है। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों आज के मैन ऑफ द मैच भिवंडी के एबी गैसुद्दीन शेख।